हमारा दीनो ईमान है जनाबे सैयदा ज़हरा। हमारा दीनो ईमान है जनाबे सैयदा ज़हरा। अली के घर की मेहमान है, अली के घर की मेहमान है, अली जिस पे ही नाज़ा है जनाबे सैयदा ज़हरा। हमारा दीनो ईमां है जनाबे सैयदा ज़हरा। नबी की पाक बेटी का हया हम सब पे वाजिब है, नबी की पाक बेटी का हया हम सब पे वाजिब है। नबी की जान जाना है, नबी की जान जाना है जनाबे सैयदा ज़हरा। हमारा दीनो ईमां है जनाबे सैयदा ज़हरा। और आगे सुनिए, वो जिनके खूबरो बेटे बने सरदार जन्नत के, वो जिनके खूबरू बेटे बने सरदार जन्नत के, मेरे हसनैन की माँ है, मेरे हसनैन की माँ है जनाबे सैयदा ज़हरा। मेरा हमारा दीनो ईमां है जनाबे सैयदा ज़हरा। और आगे सुनिए, वो जिसके वास्ते जोड़ा खुदा ने खुल्द से भेजा, वो जिसके वास्ते जोड़ा खुदा ने खुल्द से भेजा, वो जिस पे रब का एहसान है जनाबे सैयदा ज़हरा। हमारा दीनो ईमां है जनाबे सैयदा ज़हरा। अली के घर की मेहमान है, अली जिस पर ही नाज़ा है जनाबे सैयदा ज़हरा। अब कलाम इतना अच्छा है कि मेरा जी चाहता है तीन शेर रह गए हैं वो भी पढ़ दूं। मुलाजा फरमाइए क्या लिखते हैं शायर, मैं शायर का भी तारुफ करवाता हूँ कि खुदा यारा मुझे सजदे में रहना है, खुदा यारात लंबी कर मुझे सजदे में रहना है,
जिसका एक ही अरमां है जनाबे सैयदा ज़हरा, हमारा दीनो ईमान है जनाबे सैयदा ज़हरा, अली जिस पर ही नाज़ा है जनाबे सैयदा ज़हरा। और आगे सुनिए, रुकैया ज़ैनब कुलसूम जिसकी पाक बहने हैं, रुकैया ज़ैनब कुलसूम जिसकी पाक बहने हैं, वो इन सब में नुमाया है जनाबे सैयदा ज़हरा, हमारा दीनो ईमान है जनाबे सैयदा ज़हरा। और आखिरी शेर क्या लिखते हैं भाई वसीम शहजाद, उम्मत की बेटियों के लिए, उम्मत की बेटियों पे एहसान, सैयदा फातिमा हमारी अम्मा का। अब शेर मुलाजा फरमाइए और लुत्फ लीजिए, क्या लिखते हैं, हुई शहजाद बेटी से मोहब्बत उनके सदके से, हुई शहजाद बेटी से मोहब्बत उनके सदके से, हर एक बेटी की पहचान है, हर एक बेटी की पहचान है जनाबे सैयदा ज़हरा, हमारा दीनो ईमान है जनाबे सैयदा ज़हरा, अली के घर की मेहमान है जनाबे सैयदा ज़हरा, हमारा दीनो ईमान है जनाबे सैयदा ज़हरा सलामुल्लाहु अलैहा।